तो गाइज वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इसके पहले वाला जो चैप्टर था प्लांट किंगडम था। सो एनिमल किंगडम से एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे, नीट के लिए है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर होते हैं किस चीज़ में, शेप में, फॉर्म में, साइज एंड हैबिट में, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, इन सभी में डिफर होते हैं। ओके, विच इज नॉट ए करेक्टर्स ऑफ स्पॉन्जेस, इनमें से क्या एक है जो स्पॉन्ज का करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। पहला ऑप्शन मल्टीसेलुलर, दूसरा सेल आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, दूसरा है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा फाइलम है जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरे का, सी नंबर, सिलेंट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेटा। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, ऑर्गेन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन, इनमें से किस में नहीं पाया जाता, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, प्लेटीहेलमिंथीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्लेटीहेलमिंथीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाइंड सैक बॉडी प्लान इज फाउंड इन, इनमें से किस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक पाया जाता है, यानी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इसका डी नंबर, प्लेटीहेलमिंथीज में। नेक्स्ट है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से किस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा एंड सिफाइलोपोड। नेक्स्ट है, इन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, ऑल आर ट्रू, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ब्लड फ्लो इन सिनोसिस, दूसरा ब्लड प्रेशर इज लो एंड इरेगुलर, तीसरा इट इज फाउंड इन आर्थोपोड एंड मोलस्क एक्सेप्ट सिफाइलोपोड, इसको छोड़ के सभी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें से किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी नंबर, हालांकि सिफाइलोपोड, वर्टिब्रेट, एनिलिडा, इन सभी में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉल्स अबाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा है जो फॉल्स है, ब्लड प्रेशर इज हाई एंड रेगुलर होता है, या फिर अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज लिमिटेड, या फिर ब्लड सर्कुलेट थ्रू आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज, या फिर चौथा नंबर है ब्लड प्रेशर इज लो एंड इरेगुलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रेशर इज लो होता है ब्लड प्रेशर एंड इरेगुलर होता है। व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज एन एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स बाई वन प्लेन सिमेट्री इट इज नोन एज, कौन सी सिमेट्री होगी जब वन प्लेन में बराबर हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई लेटरल सिमेट्री, यानी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, रेडियल सिमेट्री इज सोन वाई, रेडियल सिमेट्री इनमें से किस में शो होती है, बोथ ए और सी दोनों में, यानी प्लेटीहेलमिंथीज, एडल्ट इकाइनोडर्म्स, इन दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज ज़्यादातर जो स्पॉन्जेज होते हैं उनमें किस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल, रेडियल, वाई रेडियल, या फिर ए सिमेट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट के जो मेंबर होते हैं फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक
एनिमल कहलाते हैं। द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लैटिहेल्मिन्थीज। ओके, यहाँ एक्सप्लेनर एक्सप्लान करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस वजह से हम सीधा सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कंटेन इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्केल्मेंथीज आर यूसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, सीडोसिलोमेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिलोमेट, निम्न से कौन सा है जो एसिलोमेट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैटिहेल्मिन्थीज, एसिलोमेट होता है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन इज फाउंड इन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन किसमें पाया जाता है? एनिलिडा का करेक्टरिस्टिक फीचर है, एनिलिडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नोटोकार्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर, कौन से लेयर से नोटोकार्ड डिराइव किया गया है, पाया गया? 19 नंबर का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मेजोडर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नोटोकार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नोटोकार्ड? डार्सली सिचुएटेड, मेजोडर्मल इन ओरिजिन, रॉड लाइक, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। रेडियल सिमेट्री इज शोन बाई, रेडियल सिमेट्री किसके द्वारा शोन करती है? टेनोप्रोर, सिलोट्रेट, एडल्ट इकोनोडर्म्स, डर्मेड्स, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी में। नेक्स्ट है द अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इन सिलेंट्रेट इज, 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मीसोग्लाइया। अगला हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेटामेरिज्म, ट्रू सिगमेंटेशन, मेटामेरिक हो ट्रू सिगमेंटेशन हो, द बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लिमिटेड, नॉट लाइम्ड बाई मेजोडर्म, इंस्टेड द मेजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीडोसिलोम, सीडोसिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर सीलोमेट एक्सेप्ट ट्रू सीलोम, एनिलिडा, प्लैटिहेल्मिन्थीज, मोलस्का, कॉर्डेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लैटिहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिन फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर सेसाइल, सेसाइल कौन से होते हैं, उनमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा सी नंबर, तीन ऐसे हैं जो सेसाइल पाए जाते हैं। ठीक है, तीन, बाकी के इसमें आपको खुद सेलेक्ट करना है, खुद ही प्रयास कीजिए और सेलेक्ट कीजिए वो तीन कौन कौन से हैं जो सेसाइल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोरीफेरा, पोरीफेरा के बारे में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज ए सोलिटरी आर वर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म, सोलिटरी आर वर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है, मेजोरिटी लाइव इन सी एंड सम लाइव इन फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ देम आर एसिमेट्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉमनली नोन एज, मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा कॉमनली नोन एज, जनरली किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, स्पॉन्जेज। वाटर पथ इन स्पॉन्जेज इज, स्पॉन्ज में वाटर पथ कैसा होता है? ऑस्टिया स्पॉन्जियोसील,
ऑस्कुलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ही सही हो जाएगा, यानी ऑस्टिया स्पॉन्जसील ऑस्कुलम। द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्जेज इज, स्पॉन्ज का यूनिक कैरेक्टर क्या हो सकता है इसमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, क्वेनोसाइट्स आर वर क्वालर सेल्स लाइन द स्पॉन्जसील एंड द कैनाल्स। नेक्स्ट है द कैरेक्टर पॉसेस बाई ऑल स्पॉन्जेज आर, सभी स्पॉन्ज द्वारा कौन सा करेक्टरिस्टिक्स पास किया जाता है? हर्माप्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज के अंदर होंगे। नेक्स्ट है 32, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट बिलोंग टू द स्पॉन्ज, इनमें से कौन कितने नंबर हैं जो स्पॉन्ज के करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सपोर्टेड बाई एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स आर स्पॉन्जिंग फाइबर, लार्वा स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, पथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग ऑफ फूड, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हर्माप्रोडाइट ऑर्गेनिज्म दे शो द पावर ऑफ रीजनरेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 6, ओके। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रॉम द फॉलोइंग, वाटर स्पॉन्ज हमको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा? साइकॉन, स्पॉन्जिया, स्पोर्जिला, हाइलोनीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है 34, अनदर नेम ऑफ साइकॉन इज, साइकॉन का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, साइफा। मैच द फॉलोइंग, साइकॉन बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला साइफा, यू स्पॉन्जिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या होगा? ए नंबर पहले का दूसरा और बी नंबर का तीसरा और सी नंबर का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ मैराइन स्पॉन्ज फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से सेलेक्ट करना है कितने स्पॉन्जेज हैं जो मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है 4। नेक्स्ट है द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टीनोफोर्स, स्पॉन्ज, कोरल्स, क्रस्टेशियंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पॉन्जेज। नेक्स्ट है वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्जेज, द माइन्यूट स्पोर्स आर नोन एज, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्टिया। इसको ऑस्टिया के थ्रू वाटर क्या करता है? एंटर करता है। इन स्पॉन्ज द स्पर्म्स एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्माप्रोडाइट, क्या बोलेंगे इसको? हर्माप्रोडाइट बोलेंगे। कैनाल सिस्टम एंड क्वेनोसाइट्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीनोफोरा, सीलेंट्रेट, प्लेटेलमिंथिस, पोरीफेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पोरीफेरा। इन स्पॉन्जेस द कॉमनली सीन लार्वा आर, किस टाइप का लार्वा पाया जाता है स्पॉन्ज में? एम्फीब्लास्टा, पायरनब्लास्टा, पायरनकाइमुला, प्लैनुला, बोथ ए एंड बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्पॉन्जेज इज, डाइजेशन स्पॉन्ज में किसके द्वारा होता है? ए सिलेक्ट करना है, पहला है इंट्रा सेलुलर, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, इंट्रा सेलुलर। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेज,
स्पॉन्ज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन सही है? इसका नाम हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल डेवलपमेंट इनडायरेक्टली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज जिम्यूल फॉर्म बडिंग एंड फर्मेंटेशन, इन सब के द्वारा होता है। तो ये हो गया 43 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को देखिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रा सा भी अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44, एग्जोजिनस बडिंग इज सीन इन केस ऑफ साइफा यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला हाइलोनीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर साइफा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कैरेक्टर आर रिलेटेड टू फाइलम, ये फॉलोइंग कैरेक्टर दिए गए हैं कुछ किससे रिलेटेड हैं, कौन से फाइलम से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ऑप्शन बता दिया आप इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको ऑप्शन पढ़ना है क्योंकि चारों करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, चारों करेक्टर किसके हैं, सिलेंट्रेटा का है, ये तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीडोब्लास्ट इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा आर्थोपोडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर सिलेंट्रेटा। द फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल शोइंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, जर्गोनिया। ठीक, नीडोब्लास्ट इज यूज फॉर ऑल ऑफ दीज, यानी कैप्चर ऑफ प्री डिफेंस एंकोरेज सबके लिए होता है। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिम, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्गेनिम सेलेक्ट करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच सो बोथ इंट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दोनों टाइप के पाए जाते हैं, इनमें से कौन से हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सात, सात ऐसे हैं, कौन कौन से हैं ये सेलेक्ट करने का काम आपका है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग पेट्रोमाजोन हैगफिश इकाइनस ब्रिटल स्टार एपिस सिल्कवार्म पेनाटुला सी पेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आपको चूज करना था। ठीक है, तो पेनेटुला हो जाएगा सी पेन। सेलेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग, अब इनमें आपको इनकरेक्ट मैच कराना है, लोकस्टा लोकस्ट कुकुमायरिया सी कुकुम्बर मेंड्रिनिया सी एनिमी एनिमोन इकाइनस सी आर्चिन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यही गलत है। अगला है, सम निडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, किससे कंपोज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। मेटाजेनेसिस इज शोन बाय हाइड्रा एडाम्सिया अरेलिया ओबिलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ओबिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फिश, फिश के लिए इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, एग्जोसिटस बीटा सॉफिश जेलीफिश, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जेलीफिश, रियल फिश नहीं है, ट्रू फिश नहीं है। द अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बीटा। ओके, नेक्स्ट है, सेसाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर पॉलिप्स, पॉलिप्स एसेक्सुअली मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप्स। द एबव साइकिल इज शोन बाई
फाइसेलिया, अरेलिया, ओबिलिया, हाइड्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओबिलिया। ओके, ओबिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिन विच कंटेन द वर्ड सी इन द इंडियन कॉमन नेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी के साथ चला जाएगा 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा फाइसेलिया। नेक्स्ट है, द फाइलम इन विच फर्स्ट टाइम नर्व नेट एराइजेज, सबसे पहले नर्व नेट किस में पाई गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेट में, यानी सिलेंट्रेटा में। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग ऑफ फाउंड इन, बी नंबर ऑप्शन सही होगा सिलेंट्रेट में, किसमें सिलेंट्रेटा में। ओके, नेक्स्ट है, सिलेंट्रेट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिलेंट्रेटा में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बडिंग गैमेट कोनिडिया जेम्यूल्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बडिंग द्वारा। द लार्वा स्टेज शोन बाय सिलेंट्रेट इज कॉल्ड, सिलेंट्रेट द्वारा जो लार्वा स्टेज शो होती है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्लेन्यूला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग को मैच करना है। फाइसेलिया ब्रेन कोरल, एडामसिया सी फाइन, पेनाटुला सी पेन, जर्गोनिया सी एनिमोन, मिनट्राइनिया पर्टिंगिस मैना बार, अरेलिया जेलीफिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पहले का पांचवा, दूसरे का चौथा, तीसरे का तीसरा, दूसरे का दूसरा और पहले का पहला, एफ का सिक्स, यानी छठे का छठवां हो जाएगा एफ का। ठीक, इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज, टीनोफोर को जनरली कॉमनली क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 का हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर, क्या हो जाएगा 65 का सी नंबर, बोथ ए और बी, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज दोनों। द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू द विच फाइलम, निम्नलिखित में से जितने भी फीचर हैं कौन से फाइलम के से बिलोंग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर, टीनोफोरा का है। इसके सुप्रीम मैराइन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी करेक्टर सिलेंट्रेटा के टीनोफोरा के हैं। ओके, नेक्स्ट है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन फाइलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, टीनोफोरा। टीनोफोर शो एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाई बायो मैग्नीशंस ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी होंगे। अगला है, एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोर्स इज, टीनोफोर का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ए और बी दोनों, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रैंकिया। अगला है, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू द विच फाइलम, निम्नलिखित में से फीचर कौन सी फैमिली के बिलोंग करते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज के हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी प्लेटी हेलमेंथीज के हैं। प्लेटी हेलमेंथीज आर कॉल्ड प्लेट वर्म बिकॉज, क्यों प्लेट वर्म कहते हैं, क्योंकि दियर बॉडी इज डार्सी वेंट्रल प्लेटेंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमेंथीज, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो प्लेटी हेलमेंथीज में प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल, ठीक है, सभी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटी हेलमेंथीज पासेस हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, कौन से प्लेटी हेलमेंथीज में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन की प्रोसेस हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्लेनेरिया डजेंसिया। फ्लैम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन, अथवार हुकवार्म, राउंड वर्म, टैप वर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा टैप वर्म में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन फाइसियोला, प्लूरोब्रैंकिया, टीनोफोरा,
एंटीनो प्लेना ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फैसियोलो में। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन डॉट डॉट डेवलपमेंट डॉट डॉट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाई डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन गिविंग इन फिगर, फिल करना है कहाँ पर फर्टिलाइजेशन है कहाँ डेवलपमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 76 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहले में फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दूसरा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तीसरा फ्लैम सेल्स हो जाएगा ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है फाइलम हुज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली इंडो पैरासाइट, कौन सा फाइलम है जो इंडो पैरासाइट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर प्लेटिहेलमिंथीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीडोसिलोमेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑल ऑफ दीज, फाइलेरिया वार्म हुक वार्म राउंड वार्म सभी होते हैं। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफ द एस्केल्मेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन हेंस इट इज नेम एज टैप वर्म अर्थवर्म हुक वर्म राउंड वर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राउंड वर्म। ओके राउंड वर्म या नेमेटोड्स आर फ्री लिविंग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक ऑन एनिमल एंड प्लांट्स ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर सही हो जाएगा। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें से सेलेक्ट करना है कौन कौन से हैं, कितने हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सी के साथ राइट आंसर चला जाएगा 8। विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फाइलम एस्केल्मेंथीज, कौन सा कैरेक्टर है जो एस्केल्मेंथीज का नहीं है, क्या आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर पायरिंग्स, ये गलत हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है एस्केरिस इंटरनल राउंड वर्म बाउचेरिया फाइलेरिया वर्म एनसाइक्लोस्टोमा हुक वर्म फेरेटिमा अथवर्म, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है इनकम्प्लीट जो कम्प्लीट नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के साथ चला जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा दूसरे का दूसरा हो जाएगा तीसरे का तीसरा हो जाएगा और चौथे का चौथा हो जाएगा, यही टोटली गलत ऑप्शन है बाकी सभी सही हैं। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एस्केरिस, एस्केरिस के बारे में इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है। फीमेल्स आर स्मॉलर देन मेल पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल कर्व डॉर्सली फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंटेन वेल डेवलप मास्कुलर फायरिंग्स विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 होंगे। मेटामेरिज्म इज फाउंड इन एस्केरिस लीच लोलिगो ऑक्टोपस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर लीच। नेफ्रिडिया हेल्प इन द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन नेरीज फेरेटिमा हेरुडिनेरिया ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, नेरीज फेरेटिमा एस्केरिस बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का डी नंबर, ए और बी दोनों होगा। अगला है एनिमल हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी हैविंग एन ऑर्गेन्स सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शोइंग मेटामेरिज्म बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा मोलस्का एनिलिडा प्लेटिहेलमिंथीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर एनिलिडा में। एनिलिड्स में बी एक्वाटिक फ्री लिविंग पैरासाइट ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, पैरासाइट भी होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्लांट किंगडम चैप्टर से 90 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएंगे चैप्टर वाइज, हमने कहा है एक एक चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट आपके सामने लेके आएंगे।
तो वो कंफर्म होगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।